कैसे हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभा, बिहार में सिवान जिले से। मेरे चैनल में आप सभी के स्वागत। मेरे चैनल के नाम है शोभा की रसोई। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने किचन में। आज मैं क्या बनाने वाली हूं तो आप सभी को दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं आई हूं अपने खेत में तो आप लोग को दिखाए हैं सब्जी। तो देखिए यहाँ पर नेनुआ का फूल लगा हुआ है, तो इसे हम फूल तोड़ करके ले चलेंगे, रेसिपी बनाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। देखिए कितना बढ़िया फूल लगा हुआ है। इसी तरह हम सारे फूल को तोड़ लेंगे और आप सभी को दिखाएंगे। नेनुआ के फूल को तोड़ लिए हैं, ज़रूरत के हिसाब से चलते हैं अपने घर पर, तो इसे रेसिपी बना करके आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, हम घर पर आ गए हैं, तब फूल को ले लिए हैं। तब फूल को अच्छे से देख लेते हैं, इसमें बहुत कीड़ा रहता है, तो इसी तरह हम इस फूल को चेक कर लेते हैं अंदर, ताकि कीड़ा नहीं होए। ऐसे अच्छे से हम धो लेंगे सभी फूल को, इसी तरह हम देख लेंगे और इसे हम बनाएंगे पकौड़े। नेनुए के फूल से बनाएंगे पकौड़े, तो हमारे वीडियो को पूरे अंत तक देखते रहिएगा कैसे हम नेनुए के पकौड़े बनाते हैं फूल का। देखिए ये जो अंदर का है उसको तोड़ करके हम फेंक देंगे। देखिए बड़ा बड़ा डंठी है थोड़ा, तो उसको तोड़ लेंगे। इसी तरह हम सारे फूल को साफ कर लेंगे अंदर से, ताकि इसमें कीड़ा ना रहे। देखिए दोस्तों, हमने फूल को अच्छे से साफ कर लिए, साफ करके धो लिए दो तीन पानी, ताकि खेत में धूल मिट्टी ना लगे हो। तो इसे हम यहाँ पे बेसन लिए हैं, हमने ज़रूरत के हिसाब से बेसन लिए, लाल मिर्च पाउडर लिए हैं, हल्दी पाउडर लिए हैं, यहाँ पे जीरा पाउडर लिए, काली मिर्च पाउडर लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक लिए हैं, इसको भी डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लहसुन को पेस्ट बना लिए हैं, ज़्यादा पतला नहीं बनाए हैं, तो इसको भी डाल लेते हैं लहसुन के पेस्ट को। अब थोड़ी सी इसमें हम पानी लेकर के इसे बैटर को बना लेते हैं। इसे पकौड़ी बनाना है, नहीं घी बनाएंगे, नहीं थोड़ा टाइट बनाएंगे, तो पकौड़ी इससे साइज पर हम बनाएंगे बैटर को। इसी तरह हम घोल बना लेंगे, थोड़े थोड़े पानी डाल करके हमें इसे बनाना है। देखिए दोस्तों, हम नेनुए के फूल से पकौड़े बना रहे हैं, बहुत आसान तरीका से बना रहे हैं, तो आप लोग एक बार जरूर से जरूर इसी तरह का बनाइएगा और खाइएगा, अपने परिवार को खिलाइएगा। बहुत बढ़िया हमने बना रहे हैं नेनुए से पकौड़ा, नेनुए के फूल का पकौड़ा। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे बेसन को बैटर को बना लिए हैं, अब इसमें हम डाल देते हैं फूल। अब इसे ऐसे उठा उठा कर हम इसे पकौड़ी बनाएंगे, बहुत बढ़िया हमने नेनुए के फूल से पकौड़ी बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, सरसों तेल डाले हैं, तेल हमारा गर्म हो गया है, तो इसे हम पकौड़े को इसे उठा करके, देखिए देखिए इसी तरह उठा करके हम इसमें, देखिए दोस्तों, हमने फूल को इसी तरह बैटर में लगा लेते हैं और डाल लेते हैं। देखिए देखिए बहुत बढ़िया हमारा ये फूल का पकौड़ा बनकर तैयार हो गया। इसी तरह हम सारे पकौड़े को डाल देंगे। देखिए दोस्तों, हमने पकौड़े को तल लिए हैं, देखिए कितना बढ़िया हमने फूल के पकौड़े बनाए हैं। तो एक साइड का हो गया, तो दूसरे साइड पलट लेते हैं। देखिए पलट लिए हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा पकौड़े बनकर रेडी हो गया है। तो हमने नेनुए के फूल से बनाए हैं पकौड़े, देखिए कितना बढ़िया बनाए हैं, तो आप लोग को तोड़ करके दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और बहुत बढ़िया बनाए हैं हमने। देखिए दोस्तों, हमारे वीडियो को पूरे अंत तक देखते रहिएगा, हमारे चैनल को बना रहिएगा, ताकि आप लोग सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकूँ। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ढेर सारा शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग एक बार जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा और खाइएगा और अपने परिवार को खिलाइएगा, अपने बच्चों लोग को खिलाइएगा, तो आप लोगों को बहुत से बहुत तारीफ होगी। तो देखिए दोस्तों, आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा ये वीडियो लगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।